नमस्कार डेवी में आपका फिर एक बार स्वागत। आज हम आपको मिलवाएंगे उद्धव ठाकरे से। जब से प्रचार शुरू हुआ है तब से उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उद्धव ठाकरे की सभाएं हो रही है। आप देख सकते हैं कि सिन्नर इलाके में यानी नासिक जिले के सिन्नर चुनाव क्षेत्र में ये पूरा जो शिवसैनिका है उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए यहाँ जमा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है क्योंकि शहरी इलाकों में लोकसभा में उनको ज्यादा जो वोट है वो नहीं मिला था, इसलिए ग्रामीण इलाकों से शिवसेना बीजेपी ज्यादा सीट लाना चाहती है। ये पूरा जो माहौल देख रहे हैं पूरे शिवसैनिक है वो उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। पूरी हजारों की सभाएं हो रही है सिन्नर चुनाव क्षेत्र में। यहाँ प्रकाश वाजे शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके सामने माणिकराव फोकाटे कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो टक्कर यहाँ कांटे की है और उद्धव ठाकरे प्रकाश वाजे की प्रचार सभा में आज आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि एक शिवसैनिक शिवसेना को कितना मानता है। इस शिवसैनिक ने अपने सर के ऊपर धनुष बाण निकाला हुआ है और जो उम्मीदवार है उसका भी नाम यहाँ अपने सर के ऊपर लिख रखा है। आपका नाम क्या? विनायक विश्वनाथ सरोदे। आपने ये जो सर पे लिख के रखा है तो इससे कोई दोस्त लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते? खुश है, बहुत खुश है, मेरे दोस्त लोग, मेरे घर वाले बहुत ही खुश है। आप क्यों किया ऐसे इस प्रकार का जो प्रचार है? आप ये कौन से संकल्पना है, ऐसे कहाँ से आपको कल्पना मिली है? मुझे ऐसी कल्पना मिली है कि ये हमारा घर का उम्मीदवार है, हम 25 बरस से ये शिवसेना का काम कर रहे हैं और हमारे को मालूमत हो गई है कि हमारा यह सीट 30-35 हज़ार से बहुत ही बढ़िया बढ़िया से बढ़िया मताधिकार लेके जीत कर आने वाला है, इसलिए हमने ये दो सिर पर धनुष बाण कोरा हुआ है। ये ऐसे शिवसैनिक है जो शिवसेना के ऊपर प्यार करते हैं। संपूर्ण शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करणार म्हणजे करणारच हे आपलं वचन आहे। कसोटी माझ्या महाराष्ट्राची आहे, या महाराष्ट्रामध्ये मात्र राहायची नाही ही कसोटी आहे। जर का काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला वाटत असेल की या महाराष्ट्रामध्ये नुसत्या शेळ्यांच्या राहतात तर मग कोण आला आणि कोण आला ही घोषणा देण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही आहे। जर घोषणा देणार असाल की वाद आला तर वादासारखे तुम्हाला राहायला पाहिजे आणि वादासारखं तुम्हाला जगायला पाहिजे। पण जर का तुम्ही वाद असाल तर तुम्ही मला सांगायला पाहिजे की उद्धवजी वाटू दे, वाटेल तेवढा पैसा कैला नव्हे पोती जरी मोकळी केली तरी त्याच्या शापाच्या आणि पापाच्या पैशाला आमच्या पवित्र घरामध्ये स्थान देणार नाही। बांधवानो, भगिनी आणि माता, म्हणजे ताकद ही फोडायची कशी, माणसं उचलायची कशी, त्या माणसांना नवीन पक्ष स्थापन करायला लावायचे ऐन मोक्यावरती, या पक्षाचं माणसं उचलायची, पुन्हा मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा आणि मतदार एकदा का गोंधळले तर त्या गोंधळामध्ये आपली कोणी ती फासून दे। अरे घर पेटवणं सोपं असतं, कोणी उठेल आणि घर पेटून टाकेल याला आक्रमकता नाही म्हणत। आता लोकांना पाहिजे तो विकास पाहिजे आणि म्हणून मी नेहमी जे बोलतो की घर पेटवणं सोपं असतं पण घरातली चूल पेटवणं हे कठीण असतं। आम्हाला घरातली चूल पेटवायची, माणसं सुपारी घेऊन आपल्यामध्ये फूट पाडायला तुमच्यामध्ये आलेले आहेत त्यांना खड्यासारखं वेचून तुम्ही बाजूला फेकून द्या। नाशिकचा विकास करण्याची जबाबदारी मी घेतोय, मी याला जिंकून दिल्यानंतर नालायक म्हणून त्याला खाली उतरायचं आणि यांची लायकी नसताना त्या ह्याला बसवायचं हे पाप आणि हे कर्म करायला शिवसेना प्रमुखांनी मला शिकवलेलं नाही। पण ज्या वेळेला रामदास आठवल्याला कळलं की अरे आपला दहीहंडी केली जाते, खांद्यावरती उभे राहत आहे आणि सत्तेची हंडी फोडून दही मात्र काँग्रेसवाले आणि राष्ट्रवादीवाले खात आहेत, आता यापुढे मी होऊ देणार नाही म्हणून रामदास आठवले बाजूला झाले। पण किती नीच पण आहे याच्यामध्ये, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी किती नीच आहे ह्याचे नाईलाजाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने म्हणा एक अतिशय चांगलं उदाहरण आहे।
चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है और नासिक की बड़ी सभा करके उद्धव ठाकरे घोटी की जो सभा है, नासिक में घोटी जगह है वहाँ भी एक सभा है और इस बीच के दरमियान हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे जी से। उद्धव जी ये बताएं, अंतिम चरण में प्रचार है, आपने शुरू किया, सबसे पहले शुरू किया है शिवसेना ने प्रचार, ये अंतिम पड़ाव है, कैसे लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? मैंने आप मान लो कि प्रचार की शुरुआत तो शायद चुनाव आए उसके उस दरमियान की, लेकिन पिछले 5 साल मैं लगातार महाराष्ट्र में घूमता रहा हूं और आपने जो प्रतिसाद देखा अभी, ऐसा ही प्रतिसाद पिछले 5 साल में मैं अनुभव कर रहा हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि अब लोगों को परिवर्तन चाहिए। किसान का दर्द उद्धव ठाकरे को समझता नहीं है, ऐसा उनका आरोप है। मेरी चुनौती है उनको, चलो मैं तो शहरी बाबू हूँ, क्या कर सकता हूँ, और ये सारे लोग तो अपने आप को किसान का बेटा मानते हैं, किसान के लिए मसीहा है, तो मैं चुनौती देता हूँ, आप जिस जगह बोले उस जगह पर सारे किसानों को बुलाइए, सुरक्षा के बगैर पुलिस नहीं चाहिए साथ में, ना और कोई चाहिए, किसानों के बीचों बीच जाकर खड़ा रहना और फिर देखते हैं ये जो सारे किसान हैं, जो मेरी माँ और बहनें हैं, किसे आशीर्वाद देते हैं और किसे जूता मारते हैं, मेरी तैयारी है। अब आरआर पाटिल ने ये कहा कि 2 घंटे आप हल चला के बताओ, उद्धव ठाकरे अगर 2 घंटे हल चलाएंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, क्या अब उनको संन्यास लेना बाकी है? मुझे तो लगा उन्होंने ले लिया संन्यास, उनका नाम ही नहीं कहीं नहीं आ रहा। 5 साल 10 साल आप सत्ता में हो, आपके बॉस केंद्र में कृषि मंत्री है, ठीक है मुझे तो कुछ समझता नहीं है ना खेती में, आपको तो आप सारी बातें समझते हैं, तो इसके बावजूद किसान आत्महत्या क्यों कर रहे? जब फर्टिलाइजर मांगने के लिए जाते हैं तो लाठीचार्ज क्यों होता है उनके ऊपर, सर क्यों फोड़ा जाता है उनका, इसका उत्तर क्या है उनके? शरद पवार जी बार बार सभा में ये कह रहे हैं कि शिवसेना बीजेपी का जो एजेंडा है या जाहिरनामा है यानी मैनिफेस्टो है, ये मराठी में लबाड़ा घर से अवतान, ये वर्ड यूज कर रहे, तो क्या कहेंगे? वो खुद शायद आईने में देखते होंगे रोजाना और स्वयं क्या है, आज तक उन्होंने कभी उन विश्वास और पवार साहब ये दोनों शब्द साथ में कभी जाते नहीं है। आज भी कांग्रेस सोनिया जी उनके साथ ठीक से वो एक अंतर रख कर बात हो रही है, कभी भरोसा नहीं पलट कर वार कर कब करेंगे, जिनकी शुरुआत ही वसंतदारा जी थे उनके पीठ पर वार कर कर हुई, वो क्या हमें सिखाए? कांग्रेस और एनसीपी में जो अभी आपने कहा कि बनती नहीं है, तो इसका कुछ फायदा होगा आपके लिए? नहीं, मैं किसी की बनती नहीं, यानी कि किसी की बात बिगड़ गई तो मेरा फायदा होगा, ऐसी घटिया सोच मेरी नहीं है, हम जो जीतना चाहते हैं वो हमारे बलबूते पर हम जीतेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में मराठी कार्ड खींचने के लिए, मराठी वोट खींचने के लिए होड़ लगी है? बिल्कुल नहीं, ये कार्ड ना ही कोई आज तक शिवसेना से खींच सका है और आगे भी नहीं खींचेगा, और इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव के दरमियान ये थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अब मराठी मानुष जो है उनको पता चला है कि एमएनएस को वोट मतलब कांग्रेस को। जैसे आपकी सभा बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, वैसे राज ठाकरे की भी सभा बड़ी हो रही है, आपको लगता है कि डिवाइड हो जाएगा मराठी वोट? नहीं होगा, क्योंकि ये जो किसानों की जो बात हमने उठाई है वो क्या बाहरी लोग है, वो तो सारे मराठी है, जब वो मर रहे थे या आज भी मर रहे हैं, कौन गया है उनके बीच? क्या एमएनएस गई है उनके बीच? शिवसेना गई है, मैं गया हूँ उनके घर घर गया हूँ और उनके बीच में जाकर उनके साथ खेतों में भी मैंने उनके साथ बात की। एमएनएस अक्सर ये बार बार कहती रही है कि शिवसेना ने मराठी मुद्दा छोड़ दिया, जब हमने उठाया तब मराठी बोर्ड लगे, तब जाके मुंबई में मराठी आदमी कुछ कोई किसी को भी चेतावनी दे सकता है, जैसे मैंने कहा कि अपने देश में प्रजातंत्र है तो ओबामा को भी आप चेतावनी दे सकते हैं, तो दे दो, आप कैसे रोक सकते हैं उनको। लेकिन एमएनएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, ये आप लोगों ने समझ लिया है और इसके आगे कांग्रेस को वोट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोट नहीं करेंगे। बाकी कितने